शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन कृष्ण सदै सन्तु निरभया सदै भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो स्त्रे भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय नत्क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। बड़े आदरमान सत्कार अवतारी दाता भगवान कृष्ण की, अवतारी दाता भगवान कृष्ण की मुबारक। आज का पावन अवतारी दिवस मुबारक। आज का अवतारी पावन दिवस पुनः पुनः मुबारक। ये कल्याणकारी अवतारी दिवस आन पहुंचा। बहुत तो विस्तार पूर्वक सवेरे शाम हम सुन रहे हैं महाराज जी की अनमोल एवं अत्यंत मधुर गीता के माध्यम से क्या करना है, कैसे हम कल्याण करना चाहते हैं। जो भी यहाँ आती हैं भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेकर, मेरे सजनों मेरी कल्याणकारी देवियों, सब अपना कल्याण चाहते हैं, हम अपना जन्म सफल किया चाहते हैं। मेरे प्रभु जिनको भी प्रेरणा दे के ला रहे गए, एक ही आकांक्षा उत्कंठा है, हम अपना कल्याण कर ले। ये इनके इन प्रकार इन, आज तो बहुत बातें नहीं बनाई जाएंगी, आज संक्षिप्त रूप में कहा जाएगा। देखिए सचमुच अगर हम अपने कल्याण करना चाहते हैं, हाँ, तो भगवान जी की अनमोल कथन के अनुसार क्या हमने अपनी आदत ऐसी बना ली है। वो थोड़ी रूपरेखाएं या आउटलाइंस में ड्रॉ किया चाहता हूं, अगर हम निरीक्षण करें आज के दिन, आज हमारे महाराज जी का पावन अवतारी दिवस है, क्या हमने अनमोल गीता जी के अनुसार अपनी मधुर वाणी के अनुसार अपनी आदत ऐसी बनाई, अपना स्वभाव ऐसा बनाया, अपने दैनिक चर्या ऐसी बनाई कैसी। ये अनमोल प्रश्न बोधक चिन्ह लेके खड़ा हो जाता, कैसी जी, क्योंकि जो पढ़ना चाहती है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना चाहती है, वो कॉलेजों में रोजाना जाती है, दिन रात पढ़ती हैं, जिन्होंने शादी की आकांक्षा है वो उसके सामान पैदा करती हैं, जो कुछ फॉरेन कंट्री में जाकर बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहती हैं वो उसके सामान पैदा की जाती हैं, और हम अपना लोक परलोक बनाना चाहती हैं उसके लिए भी कुछ विशेष रूप में करना अनिवार्य होता है। तो मैं सिर्फ थोड़े रूप में सार बताना चाहता हूं। क्या अपने आप से पूछिए, अपने आप से देखिए, क्योंकि भगवान ने उपदेश देने के बाद ये कह दिया, अमल इस पे तू चाहे जिस तौर कर, अब तेरी मर्जी है कि आप कर रही है या नहीं। भगवान ने कोई जिद नहीं की, जोर नहीं दिया, भगवान ने कल्याण की बात बता दी और कह दिया अब तेरी मर्जी, तेरी ही दरांती और तेरे ही जौ, चाहे जौ को कट के पशुओं को आगे डाल दे और चाहे जौ की फसल की रखवाली करते करते ओ दर्जनों बोरियां भर के माला माल हो जाए, चाहे जीवन की हम रखवाली करते हुए अपना कल्याण कर जाए और चाहे जीवन को बर्बाद कर डाले गंदी वृत्तियों के में पड़कर। आइए ना मेरी कल्याण कम देवी, अगर ये भगवान की आवाज आपके कानों में जा रही है, अगर ये गीता का सार आपके कानों में जा रहा है, तो विचार करिए क्या हम ऐसा कर रहे हैं, कल्याण कामी है ना, सब जितने मेरे कानों में मेरी आवाज जा रही है कल्याण, हम सब कल्याण कामी है। क्या हम प्रातःकाल रोज उठने की आदत बना ले, क्या हमारा ये स्वभाव बन गया, क्या प्रातःकाल उठती है अपने शरीर को पवित्र और निर्मल करके भगवान का जाप करती है। ये हमारा गीता जी के अनुसार सबसे पहला कर्तव्य है। सूर्य उदय होने से पूर्व
अपनी शारीरिक सफाई करना और उसके बाद अंतःकरण को निर्मल करने के लिए भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी देना, अपनी उपस्थिति देना। क्या ऐसा हमारा स्वभाव बन गया? नंबर दो, जब हम उतर आते हैं कर्म क्षेत्र के अंदर, इससे कर उससे व्यवहार, ये ले वे ले, यहां जा वहां जा, लेकिन क्या आंतरिक रूप में भगवान की मधुर स्मृति बनी रहती है या हम भूल जाते हैं? क्या उसी उन्हीं कामों में गलतान हो जाती हैं? जब आप जाती हैं रसोई में, जब आप कपड़े धोने लगती हैं, जब आप घर की सफाई करने लगती हैं जी, जब कोई मिलने के लिए आपको आ जाता है और विचार वनी में होता है, आपकी आंतरिक अवस्था क्या होती है? क्या महाराज जी में ये वृत्ति लगी रहती है क्योंकि आप कल्याणकामी है ना? क्या भगवान के इस फरमान को आपने चार चांद लगा दिए? तन काम में मन रहे ध्यान में, गंभीरता पूर्वक सुन लीजिए मेरी सरकार, मेरी कल्याणकारी माता और बेटियों। अच्छा, नंबर तीन, जबकि महाराज जी की वाणी इतनी मधुर, इतनी कल्याणकारिणी एवं क्रांतिकारिणी है जी, तो क्या आप उसका पाठ करके कुछ काम करते हैं? क्या गीता जी का पाठ आप रोज करते हैं? अर्थात 12वें अध्याय के अनुसार आप उन गुणों को देखती हैं या 12वें अध्याय का रोज पाठ कर रही हैं? 12वें अध्याय आपने कंठस्थ कर लिया, अर्थात जबानी याद है आपको, और जो भगवान जी ने 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक ये जो अनमोल गुण लिखे हैं, क्या हम अपने दैनिक जीवन में उतार रही हैं? हम निरीक्षण करते हैं कि ये गुण मेरे में आया कि नहीं? जैसे यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने के लिए हम एक एक सब्जेक्ट का एक एक प्रश्न भली प्रकार से तैयार करते हैं, इसी प्रकार भगवान जी के बताए गए इन गुणों से जिससे अंत का निर्मल हो जाता है और हम परलोक बनाने के योग्य हो जाते हैं, भगवान के दर्शनों के हम अधिकारी बन जाते हैं, क्या उन गुणों के साथ हम पूरा पूरा न्याय कर रही है? दिस अप टू यू, यू प्लीज सी माइन्यूटली एंड मोस्ट सीरियसली, ऐसा क्या हम कर रहे हैं? क्या मेरी कल्याणकाम देविया अपनी ऐसी आंतरिक अवस्था बनाने के लिए तत्पर है? आगे बढ़िए, क्या आप दिन के 24 घंटे में कोई समय बनाए बैठी हैं क्या, जिसमें आप देखती हो समय होता है, सोने से पूर्व अपने शयन कक्ष में आप चले गए तो निद्रा लेने से पूर्व क्या आप देखती हैं मेरे में कौन सी कमजोरी रह गई जो मेरे भगवान को अच्छी नहीं लगती? ये काम है, ये क्रोध है, ये मोह है, ये लोभ है, ये अहंकार है, ये निंदा है, ये मत्सर है, ये राग है, ये द्वेष है, ये लेना है, ये देना है, ये चिंता है, इतनी नकारात्मक वृत्तियां हैं, इनमें अभी मेरे में कोई रह गई? भगवान की कृपा से ये सब निकलती जा रही है ये नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु को तो ये वृत्तियां अच्छी नहीं लगती। उन्होंने राक्षसी संपत्ति के नाम से पुकारा और कहा कि वो जीव बहुत जलील होगा, और यहां तक भगवान ने भुजा बुलंद करके हम सबको जोरदार शब्दों में कहा, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, क्या बोलू, नास्ती को अपनी मिटाना, यहां तक तो हमारे प्रभु कह चुके हैं, क्या आप इनसे छूट गए? आज तो प्रश्नों की झड़ी लगा रहा हूं आपके आगे, क्योंकि अपने प्रभु का दिन है, बड़े बड़े बर्थडे मनाया आपने, ये तो हमारी महाराज जी का पावन अवतारी दिवस है, बर्थडे नहीं, बोलने तो हम जन्माष्टमी बोलते हैं, लेकिन है पावन अवतारी दिवस, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान को प्रकट होती है, भगवान का अवतार होता है, भले ही हम मुख से बोल दिया जन्म अष्टमी, दिस इज नॉट जन्म, दिस इज मैनिफेस्टेशन, दिस इज इनकॉर्नेशन, जो चीज पहले हो वो साकार रूप में प्रकट हो जाए, बिजली पहले होती है तो प्रकट हो जाती है किसी न किसी उपकरण के द्वारा। हाँ, तो क्या हम उस कमजोरी पर जो भगवान को अच्छी नहीं लगती हम हावी आते जा रही हैं? अच्छा, आगे बढ़ो, क्या हमारा कुछ समय एकांत में कटता है कि नहीं? हम अपने 24 घंटे में कुछ एकांत में निकाल लेती हैं, क्योंकि महाराज जी ने कहा है कि जिन्होंने पूर्ण पेड़ एकाग्र होकर तल्लीन हो जाना है, हजू में खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना स्वरूप, वो उनको एकांत बड़ा प्यारा लगता है, एकांत में उनका मन एकाग्र हो जाता है, एकाग्र मन तलीन होने की चेष्टा करता है, भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, क्योंकि रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन उसी फर्द को कायम लख लगिन, भगवान की नजरों में वो मेरे सजनों मेरी कल्याणकामी देवी हो, हाँ वो सही रास्ते पे जा रही है, वो भागता जा रहा है, जिसको एकांत में बैठने की आदत पड़ गई और एकांत में जाप करने का स्वभाव बन गया, एकांत में जिसका मन एकाग्र हो के दिव्य रस को लेने लग गया, हाय बिल्कुल वो भगवान के प्रेम की गली में दाखिल हो गया, एकांत में बैठकर जिसका मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र होकर जिसके दिव्य रस में लगता है, रस भी कई प्रकार के, माँ का भी रस हमने लिया, हाँ पिताजी का भी प्यार लाड स्नेह हमने लिया, बहनों का भी प्यार लाड लिया, वो भी एक रस है, यारों दोस्तों को आलिंगन करने से भी एक रस आता है,
हमने डिग्रियां पास की जो डिक्लेयर हुए वो भी एक रस मिला, नौकरी मिली ये भी एक रस था, शादी की ये भी एक रस था, बेटा हो गया ये भी एक रस था, आपने बढ़िया मकान बना के गृह प्रवेश किया ये भी एक रस था, लेकिन ये भगवान का एकांत में बैठकर अपने मन को एकार करके जो रस होता है पिछले सारे संसारी रसों को सज्जनों मात कर देता है, इज ए डिवाइन ब्लिस, यूनिक ब्लिस, अनपैरेलल ब्लिस, मैचलेस ब्लिस, ये मैचलेस ब्लिस है, जो हमें संसारी रस लिए ये सारी ये रस उनको मात कर देता, नगण्य है संसारी रस भगवान जी के इस दिव्य रस के सन्मुख। क्या ऐसा कभी लिया, क्या ऐसा आप, अगर आप सीरियस है एंड मोस्ट डिवोटी है तो फिर आपको ऐसा रस आ रहा है क्या? शाबाश, आगे बढ़िए। भगवान ने गीता जी में क्या कहा, ये संसार बड़ा विचित्र है, किस रूप में बड़ा विलक्षण है, किस रूप में सदा एक जैसा नहीं रहता, अरे ये सदा एक जैसा नहीं रहता मैया मेरी अच्छी बेटी, ये सदा एक जैसा नहीं रहता है, अपने जीवन में बड़ी बड़े परिवर्तन हुए हैं, शरीर है तो आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे, और परिवर्तन को हमारे अनुकूल थोड़ी होते हैं, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी माफे कभी गैर माफे, कभी फेवरेबल कभी अनफेवरेबल, कभी प्लेजेंट कभी अनप्लेजेंट, कभी प्रिय कभी अप्रिय, ये घटनाएं तो घटती रहती हैं, हमारी कोई बस की बात नहीं। अभी हम कह रहे थे अरुणोदय हो रहा है, अभी देखते देखते दोपहर हो गई, देखते देखते छाया ढलने लग गए, देखते देखते अब सायंकाल होने वाला है, लीजिए सूर्य अस्त हुआ ही चाहता है, एक ही दिन ने सूर्य ने कितने रंग बदले, इस शरीर का भी ये हाल है, कभी सेहत बड़ी अच्छी होती है, कभी एक एक अंग घटने जाता है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता, कभी आपस में बड़ा प्यार होता है और कभी किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बन करके तकरार हो जाता है, जिन्हीं हाथों से हम प्यार लेते हैं उन्हीं हाथों से कभी कभी मार भी पड़ जाती है, कभी जोर की सर्दी आ जाती है, कभी जोर की गर्मी पड़ जाती है, हाँ इन सारी बातों के आने पर हाँ क्या आपके मन का तवाज़ुन बना रहता है या आप गिर जाती हैं? है बाबा कहिए, आपका मन टिका रहता है या घबरा जाती हो, या बाथरूम में जाकर रोने लग जाती हो, या किसी कमरे के कोने में दरवाजे को का एक पार्ट अलग करके आंसू भर जाती हैं, क्या करूं मेरे मन की बात ऐसे कर लेती, क्या आपका मन गिर जाता है, क्या उस वक्त भगवान का ये फरमान आपके काम नहीं आता, पे कैफियत आनी जानी है ये सहेजा खुशी से कि पानी आई, संसार तो ऐसा है ही, संसार तो सदा एक जैसा था नहीं है नहीं होगा नहीं, क्या कहेगा मैं, संसार सदा एक जैसा था नहीं है नहीं भविष्य में होगा नहीं, इसमें तो परिवर्तन आते ही रहेगा गिरगिट की तरह, कभी कुछ कभी कुछ, हम कहें कि हमारे अनुकूल ही अपने शरीर का वातावरण नहीं हो सकता, हमारे परिवार का समाज का गली मोहल्ले का बेटी नहीं हो सकता, हमारे अनुकूल नहीं हो सकता, इसलिए भगवान के सच्चे और पक्के आप जैसे प्यारे अपनी इच्छाएं सब भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, अर्जुन जैसी वो हमारी मानसिक अवस्था बन जाती है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता, प्रभु मैंने पूर्ण पेन अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित, होली एंड सोली अपने आप को डिनोट कर दिया, अब जो आपकी इच्छा हो मैं उसी में संतुष्ट हूं, इस तरह आपके मन का तवाज़ुन बना रहेगा, अर्थात आपका संतुलन बना रहेगा, और जिनकी मन का तवाज़ुन बना रहता है उनका मन अंतर्मुखी रहता है और लगातार वृत्ति मालिक में लगी रहती है, जिसकी लगातार वृत्ति लगी रहती है तो भगवान का नियम है कभी नहीं भूलना, क्या इस नियम को भूले तो नहीं, क्या लगाई थी लो जिससे हासिल हो एकाग्रता में सब कुछ बनता है, भगवान ने कितने योगों का वर्णन किया है, कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग जप योग बुद्धि योग हठ योग प्राणायाम योग, कितने योग पर इन योगों का अर्थ क्या है, दिल की तवाज़ुन का है नाम योग, ताकि हमारा मन इन ये हालात आए इन हालात का मुकाबला करते हुए अपने आप को बनाए रखे, जैसे बाबा जी के हाथ में बूढ़े के हाथ में लाठी होती है, लाठी टेक टेक के चलता है, चाहे जमीन कैसे भी हो पैर लड़खड़ाने लगते हैं लेकिन लाठी का सहारा लेकर अपने आप को बाबा संभाल लेता, इस तरह विचारों का सहारा लेकर हम अपने मन को गिरने नहीं देते, लाठी तन को बचाती है, जबकि भगवान का ज्ञान या ये फरमान क्या पे कैफियत आनी जानी ये मन को नहीं गिरने देते, मन को गिरने के लिए भगवान का ज्ञान चाहिए, जबकि तन को गिरने से बचाने के लिए कोई लाठी का सहारा चाहिए, याद रखिएगा, क्या ऐसी आपकी अवस्था बनती जा रही, आज के दिन देखो ना, आज के दिन देखो ना हमारे भगवान जी का पावन अवतारी दिवस है, इस रूप में निरीक्षण करो मेरी देवियों, क्योंकि हम तो कल्याणकामी जीव है, भगवान की प्रेरणा के बिना तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, बड़ी दूरी है, बड़ी दूरी हो मेरी देवियों, कोई ठोस रूप में इस स्थान का लाभ उठा लेना, ठोस रूप में मैं केवल आपके लिए बिठाया गया हूं, आप ही के लिए बताता समझाता हूं,
देखना आपने निरीक्षण कीजिए, आप और देखिए। हाँ, दिन भर में आप प्रसन्न रहती है ना, दिन भर में आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है ना, है? आप उदास तो नहीं हो जाते कोई बात सुनकर, कोई बात देखकर, किसी के दुर्व्यवहार को लेकर? बाबा क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात आपके मन को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या उस वक्त आपका मन प्रसन्न रहता है ना? क्या आपको मेरे भगवान का ये अत्यंत कल्याणकारी फरमान याद रहता है? क्या दिले पुरसकू में कहां आए रंग, के दुख दूर हो जाए मिट जाए। जिसने कुछ बनाया है उसका दिले पुरसकू रहता है, बस जो है क्वाइट कॉम है, वो अपने तवाज़ुन को लूज नहीं करता। ऐसी व्यवस्था बन जाती है हमारी। मुद्दत से आप गीता सुन रही हैं, कई बार आपने गीता जी का पाठ किया है, बड़े लेक्चर आपने गीता के विषय में सवेरे शाम सुनी है, तुम ध्यान भी लगाती हो, गली मोहल्ले में भक्तानी भक्तानी कह के आपको सारे पुकारने भी लग गई हैं, सारे भगत जी की इतनी सत्संग में जाती हैं, ये तो गीता के प्यारे गए, देखो इनमें कितनी तब्दीली आ गई। लेकिन यू प्लीज सी योर ओन सेल्फ माइन्यूटली, स्टडी कीजिए। क्या ऐसे हालात में आपका मन सारा दिन चेहरा प्रसन्न रहता है ना, मुख मुद्रा आपकी अच्छी बनी रहती है ना? कभी घर वालों को तो ये तो आपके विषय में नहीं कहने पड़ता, पिताजी को तो आप कहेंगे जब पिताजी का मूड होगा। है क्या मूडी मैन है? आर यू ए मूडी मैन? क्या आप मूडी हैं? नहीं तो आपके चेहरे पर प्रकाश रहता है, आपके चेहरे पर तेज रहता है, आपका मन का तवाजन बना रहता है या नहीं? हाँ जी, ये अपनी अवस्था देखती है कि नहीं? ओ शाबाश, ये भी देखना, आपने ये भी जरूर गहराई में उतरना है कि मैं प्रसन्न रहती हूं ना। नारी का तो खास कर सबसे बड़ा भूषण प्रसन्न रहना, प्रसन्न। एक बात और कहना चाहता हूं, आपका व्यवहार अच्छा है ना? जो भी आपके साथ व्यवहार करता है आपकी तारीफ करता है या नहीं? आप मीठा व्यवहार करती हैं कि नहीं? मधुर वाणी से बोलते हैं या नहीं? आप थोड़े से शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके मन को खींच लेते हैं या नहीं? अगर नहीं तो आप गीता के प्यारे नहीं है, अगर नहीं तो आपने भगवान की वाणी को सही नहीं समझा। भगवान जी कहती हैं कि मेरे प्यारे इस तरीके से रहती हैं, हाँ इस तरीके से, कि अगला बड़ा प्रसन्न हो जाता है। क्या आपका व्यवहार ऐसा है कोई पीठ के पीछे आपको शुभ भावना देता है ना? हाय, व्यवहार हो तो कुशल्या जैसा, मीठी वाणी हो तो ये करमैती बाई जैसी, ऐसी दृष्टांत आपके दिए जाती हैं। क्या लोग ऐसा अपनी जबान से कहती हैं कि भाई कमाल का इसका व्यवहार कितना अच्छा है? क्या आप इस प्रकार बनते जा रही है? बस यही एक प्रश्न थे जरूरी। अगर ऐसा है तो आपका जीवन क्रियात्मक है, आपका गीते के अनुसार प्रैक्टिकल लाइफ आप गुजार रही हैं, और मेरे भगवान बड़ी जल्दी आपको अधिकारी बनाने वाले हैं। मेरे महापुरुषों ने यह सार निकाला है गीता जी से, जो आज पावन दिवस में मैं आपकी झोली में प्रसाद रूप में दे रहा हूं। जरूर देखा करो, चूंकि आप कल्याणकामी हैं। आम मंदिरों में ऐसा होता नहीं, आम धर्मस्थानों में ऐसी बातें नहीं बनती, वह कल्याणकामी नहीं जाते, वह थोड़ी कामना के मरे हुए, कामना के पूरी कराने वाले वहां जाते हैं भगवान को कष्ट देने के लिए। आप केवल कल्याण के लिए आते हैं, केवल आप अपना लोक परलोक बनाने के लिए तशरीफ लाते, आप जिज्ञासु हैं, वो अर्थार्थी होती है, वो आर्त बड़ी दुखी होती है, आप केवल अपना परलोक बनाना चाहती हैं। तो क्या ये अपने आप निरीक्षण कीजिए प्लीज, अपने अंदर गोता मार के देखिए मेरी देवी, तब आपका इस स्थान पे आना पूर्ण रूप में सफल हो जाएगा। जहां भी कमी हो अपने भगवान से कहो, जैसे कमी होती है तो अपनी माँ से पूरी करवाते हो, पिताजी से पूरी करवाते हो, अपनी छोटी बड़ी बहन से पूरी करवाती हो। ये तो हमारे भगवान नहीं, जिनके लिए हमारे कानों में सदाएं आती रहती हैं, श्याम सुंदर दया के समुंदर, वो तो हमारे दया के सागर है। तो उनसे कहिए, निधड़क होकर कहिए, निसंकोच होकर कहिएगा, प्रभु अगर मैं दिल का सच्चा इरादे का पक्का हो तो मेरी इस कमी को दूर कर दो। वेरी नाइस, अप्रिशिएबल, अप्लॉडेबल। कहो अपने भगवान से, भगवान तो वचनबद्ध है, चाहे शताब्दियां गुजर गई गुजर जाएंगी, लेकिन भगवान अपने वचनों में बंधे हुए हैं। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रस्ते जिधर से चले, ऐसा भगवान का वचन। इस वचन का लाभ उठा लो, इस वचन का लाभ उठाओ मेरी भगवती भगवती भगवती, ताकि इस नारी चोले में आकर हाँ गीता जी की पुजारण बनकर आप भी अपना ठोस रूप में कल्याण कर जाओ। दुनिया दृष्टांत देती रही कि फाला गीता को उपदेश सुना करती थी, गीता की पुजारण थी, अच्छा जीवन बना गई, अपने परलोक बना गई, शाबाश। केवल आना जाना ना रह जाए, केवल आना जाना या ना रहे, बल्कि आवागमन को हम खत्म करके जाए, आवागमन को मिटा के जाए, यह फरमान हमारे लिए लागू हो जाए। क्या परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई गान।
सच सच जेंटलमैन गॉन एंड गॉन फॉर एवर। अब उनका आना के जाना नहीं होगा, गए और गए। शाबाश, हम एक चक्रिय भगवान की जात में समा गए। ऐसा आज 12 बजे अपने इष्ट देव की पावन आरती उतारने के पश्चात अपने आप से पूछना। मैं थोड़ी सी ये आउटलाइन ड्रॉ की है, थोड़ी सी रूपरेखाएं आपके लिए खींचती हैं। आप जैसे जो कल्याणकामी नहीं और कल्याणकामी सज्जन होते हैं, इस तरह अपने आप को देखा करती हैं, क्योंकि हमने अधिकारी बन जाना है भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए और अपना कल्याण करना है। देखना मेरी देवियों, इस रूप में आज का पावन दिवस हम सबके लिए अगणित बार मुबारक मुबारक मुबारक। इसलिए मैं बार बार आपसे 12वें अध्याय रचाता हूँ, 12वें अध्याय का पाठ करवाता हूँ, 12वें अध्याय की पावन आहुतियां भगवान जी को समर्पित किया चाहता हूँ, करवाता रहता हूँ। कहते कि ये बार बार पढ़ पढ़ के वो गुण हमारे में गहरे उतर जाए, वो गुण हम बार बार हमारे कानों से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करें और हम मजबूर हो जाए उन गुणों के साथ इंसाफ करने के लिए। भगवान करे जैसे मेरे प्रभु मुझे दिव्य प्रेरणा दे करके कुछ उद्गार निकलवा रही है, ये ऐसा ही आपकी अवस्था बन जाए। ऐसी मेरी दीवियां अपनी आंतरिक अवस्था बनाने में सुचारू रूप से सफल मनोरथ हो जाए, ताकि मेरा यहाँ बैठना सफल हो जाए, आपका दिन प्रतिदिन आना सफल हो जाए, भगवान हम दोनों पर प्रसन्न हो जाए। रहना तो यहाँ किसी है नहीं, तो क्यों ना ऐसी अवस्था बनाए, क्यों ना ऐसी अवस्था बना के अपना लोक परलोक बना ले। भगवान करे ऐसा आए कि प्रभु हम सबकी अवस्था देख के तथास्तु कहे, क्या आप सबका कल्याण हो। तथास्तु कहते मुझे तथा जमा अस्तु, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही हो। समय तथास्तु नहीं है, तथा को अलग कर दो, अस्तु को अलग कर दो। तथा मेरे ऐसा ही, अस्तु मेरे हो, जैसा तुम चाहते हो। बी इट एज यू विश, जैसा तुम चाहते हो तथा अस्तु ऐसा ही हो। आज तब मेरे दयालु कृपालु इष्टदेव ऐसा कह दे। आप सारे को श्रद्धा और प्रेम को देखकर ये श्रद्धा का दरिया उमड़ रहा है, ये प्रेम का दरिया उमड़ रहा है उनकी आंखों के सामने। कलयुग क्या लगे, धर्म स्थान क्या लगे, इतना इतनी बड़ी जनता का प्रेम अंदर बाहर, इतना बड़ा राश। एक भगवान ने एक मिसाल रख दी है, आपकी जाप उठाओ भगवान तो बड़े खुश हो रहे। गौर कलयुग के अंदर गृहस्थी को महात्मा नहीं बैठे हुए, एक आधे महात्मा जी प्रातः समरणीय श्री प्रेमानंद जी बैठे हुए घर से मुड़ा के, बहुत सुंदर। बाकी सब तो गृहस्थाश्रम में रहने वाले गए, सब गृहस्थी हैं सब। वाह, तो फिर गृहस्थाश्रम में रहने वाले और उनको मेरे भगवान की मौका दे रही है, अपना नहीं कोशिश करो नारी चोले के अंदर। वो भगवान बड़ी खुशी हो रही है, ये कितना सुंदर दरिया उमड़ रहा है श्रद्धा और प्रेम का। जैसे मैंने कुछ रूपरेखा खींची, बनाओ अपनी आंतरिक अवस्था, दे मेरे प्रभु आपको दिव्य शक्ति के मेरा सुनाना सफल हो, आपका सुनना सफल हो, आपका इतने दूरी में आना सफल हो। भगवान जी ओ मेरे इष्टदेव, आज तो तथास्तु कह दो, हम सबका आना आपके दरबार में सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओ मेरी सजनों, मेरी देवियों, रात के 12 बजे या हम नहीं आएंगे, आजकल हालात गंदे है ना, तो हम पुलिस को कष्ट नहीं देंगे। रात को 12 बजे जरूर उठना चाहे, आराम लगाना पड़े हाँ, और घर में ही आरती उतारना, उतार करके प्रणाम करके और भगवान से कहे कि प्रभु मुझे ऐसी मेरी वो अवस्था बना दो जिस जैसे आप चाहते हैं, कभी शख्स हो जाइए घर में यहाँ आने की कष्ट तक, और यहाँ रुकना भी नहीं, बहुत मेहमान आए हुए मेरी देवियों, उन बेचारों को कष्ट ना हो, अगर आप रुक गए तो फिर उनको कष्ट हो। You
दुनिया के दुख हरने
आपने धरती लाता ओ जाली मौके जुल्म से मित्रो बदते कष्ट उठाता हर बदते कष्ट उठाता ओ जब जब होता नाच धर्म का पाप धरती लाता ओ पाप धरती लाता ओ जाली मौके जुल्म से मित्रो बदते कष्ट उठाता ओ बदते कष्ट उठाता तभी तो भगवान का निर्मल मन से शरण में आ जा।
बंगाली दादा।